चुके हैं बच्चे, अब इनका ख्याल आप ही रखे, अब वजीर आला हो घर के, पूरी कैनात के वजीर आला हो। ये देख ले इमरान का मेरे बच्चों का लाड, देख के ये जो पैसों से खेलते हैं वो दुखों से खेल रहा है। इधर देख के इमरान खान, ये देख के जो पैसे से खेलते किनका बाप कभी ना रोने देता, वो हमेशा हमेशा के लिए रोने रोने जोगे ही रह गए। इनको कोई नहीं रह गया चुप कराने वाले, ना करते ये चुप, सिर्फ अपने वालों से चुप होते थे जब मेरे साथ भी इन करने। इस बच्ची ने कहना भाई ना आज रुक जाओ, आज रुक जाओ, लेकिन एक दिन भी हम इधर रात नहीं रुके। जब हमने आना था हमें तो बेचैनी लगी रहनी, हमने घर में जाके सुकून करना, ये हमारे ख्वाहिश हमारे दिल की बातें दिल में रह गई। हम उजड़ के बैठ गए, मेरी छत टूट गई, बच्चे यतीम हो गए मेरे, अब मुझे कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना मेरा गुजारा बन सकता, यतीम बच्चों का कोई भी नहीं करता अपने बाप के अलावा। और मेरे बच्चों के साथ तो उनके पापा का बहुत प्यार था, इतना प्यार था रोता बर्दाश्त नहीं कर सकता था उस वक्त। मेरे बच्चे ने एक ने भी रो पड़ना ना तो इनका पापा मेरे से गुस्से होने लगे, कहता तू काम भी नहीं करती, मैं थका आता था तीन में, मेरा दिल नहीं करता भी मैं अपने बच्चों को झिड़क भी लो, और ना कभी उन्होंने इसके साथ गुस्सा भी नहीं किया। जब काम में निकलना तब इनको कुछ न कुछ ले के देना, तो आज तक नहीं आया, चार दिन हो गए बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मारा पापा किधर चला गया, मारा पापा किधर चला गया। मैं अब पापा इनका कहाँ से ला के दूँ, कहाँ से ढूंढ के दूँ, सबके पापे सामने जा पापे उनको भी होता भी मेरा पापा भी मेरे पास होता, मेरे साथ जैसे प्यार करता था इस तरह प्यार करता, मुझे चीज़ें लेके देता, अब उनको ये आस ही खत्म हो चुकी है, अब किससे मांगेंगे। अब माँ तो वो रही नहीं है जो इनको कमा के जिस तरह खिलाया जाए, इनकी फरमाइशें पूरी करें ना, अब माँ के ये माँ के पास रहा इसको बढ़ा लूँ या कई अफसर बना लूँ या कोई सरकारी नौकरी दवा लूँ जिससे मेरी जिंदगी भी सबर जाए और मेरे बच्चे की भी सबर जाए। हमारे साथ इस तरह की बातें करता रहता, ना हमारी किसी के साथ लड़ाई थी, ना कोई दुश्मनी थी, ना कुछ था। ये यतीमों को देख लो जो हम, ये मैं आपके सामने बैठ, क्या हुआ था सुबह? कुछ नहीं हुआ, हमने कट्टे चारों जियों ने नाश्ता किया, उसके बाद मेरा भाई आ गया, मेरा मेरे भाई ने भी चाय पी है, उसको छोड़ने गया तो उसे कहता है यार मेरा दिल नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का, मैं भी कहता हूँ आपके पास रहो। तो मेरे भाई ने कहा भाई आपको पता है ये ड्यूटी है मेरी, तो भाजियाँ साथ बैठेंगे तो हम दो तीन ना गाड़ी चला सकते, तो मैं शाम को आऊँगा तो बैठेंगे बातें करेंगे, तो उसके बाद ये हम ना ये इतवार जो आज इतवार बोरा मेरे लिए आया, इस इतवार को भाईजान मेरे मियाँ ने गाड़ी का झूला लेना, झूले लेने तो उसने उसे बहुत शौक था गाड़ी सीखने का। अब मुझे पता चल रहा है कैसा हुआ कैसे ना हुआ, और मेरे मियाँ के तड़पते तड़पते जान निकली जैसे कुछ जानवर की निकलती है, कोई उसके पास नहीं किया ना किसी ने पानी पिलाया, आखिरी बार पानी का घुट भी नहीं अंदर गया। गरीबी में ही हम खत्म हो गए, तबाह हो गए, गरीबी ना होती तो ना निकलता बाहर, ना हमारे साथ ये हादसा पेश आता। अब मैं तो खुद पागल हुई पड़ी, अभी मैं अपने बच्चों का सहारा कैसे बनाऊँ, इनको कैसे पालूंगी या इनकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगी। अब इमरान खान से मेरी बार बार यही अपील है, अब मेरी को मदद करे, यही गुजारिश है इमरान खान से, मेरी यही गुजारिश है, बार बार मैं यही कहूंगी मैं बेवा हो चुकी हूँ और मेरे बच्चों को कोई नहीं रह गया, कोई कुछ नहीं है। इमरान खान मैं आपको यही कहूंगी आप मेरी इमदाद करे, इमदाद करे, मेरा जो पहले मैं सब कुछ जला बैठी हूँ, खुद जल बैठी हूँ, मैं उजड़ के बैठ गई हूँ, अब मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं खुद भी मैदे की मरीज हूँ, ना मेरे से काम होता है ना मेरे से होना, तो मुझे इस बात का बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं जब मेरा घर ही उजड़ गया तो मुझे किसी ने नहीं संभालना। इमरान खान से मेरी यही अपील है अब मेरी को इमदाद करे, माल की इमदाद करे, मेरे को घर वसीला बनाए या मुझे कुछ,
किराए का मकान है जी, वो उनकी हिम्मत थी जो हमें छोड़ के चला गया, उनकी हिम्मत थी किराया जो दे रहा था। 8,000 हमारा किराया भी था, 35-300 इतना में बिल भी आ जाता था, बस 12-13,000 फोल्ड करता रहे, उसी की हिम्मत नहीं मारी तब कोई हिम्मत नहीं रहेगी। अब मैं बेवा हो कितने किराए उधर भर सकूंगी या उधर नहीं रह सकूंगी। उसकी ख्वाहिश क्या थी बच्चों की? ख्वाहिश बहुत ख्वाहिश थी उनकी, तो ख्वाहिश ये थी भी मैं कमाऊंगा, मैं कमेटियां डालूंगा, मैं अपने बच्चों की छत बनाऊंगा। और जब उनको हमने पक्का रखा, इधर उनका पुप्पो का बेटा रहता है, उनसे आया, उनसे मुलाकात करके किया, ये बात भी उसने की है भी मुझे विवाह को प्लाट ढूंढ दो, बेशक ना ही ज्यादा बड़ा हो तो चलो एक मरले का लेके दे दो, या हम इधर आके आपके पास बैठ जाए, तो अल्लाह ने मरला ही दे दिया वहां पे। ऐसी ऐसी वही ऐसी बच्चों को कहते रहते, बेटा आपके लिए मैंने कल साइकिल लेके आनी है, चीजें लेके आनी है। जब बच्चों ने देखना उनका बाप आना थे आगे से भाग पड़ना। और मेरे बच्चों को आज 5 दिन हो गए, अभी तक बच्चों ने रोते रह गए, अभी तक बाप घर पे नहीं आया, ना ही उसने अपनी कोई शक्ल दिखाई, ना कोई आवाज हमारे कानों में डाली। इमरान का मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। अभी को मेरी उम्र नहीं थी ये इस तरह के मेरे साथ हो जाए, या मेरा साया ही उठ जाए, मेरे सिर का ताज ही उठ गया इमरान का। अब हम तो यतीम हो चुके हैं बच्चे, अब इनका ख्याल आप ही रखे, अब वजीर आला हो घर के, पूरी कैनात के वजीर आला हो। ये देख ले इमरान का, मेरे बच्चों का लाड देख के, ये जो पैसे से खेलते हैं वो दुखों से खेल रहा है। इधर देख के इमरान खान, ये देख के जो पैसे से खेलते, किनका बाप कभी ना रोने देता, वो हमेशा हमेशा के लिए रोने जोगे ही रह गया। इनको कोई नहीं रह गया चुप कराने वाले, ना करते ये चुप, सिर्फ अपने वालों से चुप होते थे। जब मेरे साथ भी इनका गुस्सा हो जाता, मैं डांट लेती थी, तो इमरान का इनका पापा ही चुप कराते थे। अपने पापा के बाद ये बहुत खुश थे, बहुत ही खुश थे। अब हमें तो कुछ भी नहीं रहा जी। मेरा नाम जंगीर अहमद है, मैं मजर मालीदा वाला साहब हाँ। सानू पता नहीं चलिया बंब धमाके का, और 11 का टाइम है, मेरा पुत्र बंब धमाके शामिल हो गया, शहीद हो गया। किसी बंदे उन्होंने नहीं चुकिया, नहीं पानी दिता, वो तड़फदा रहा। उत्थे पुलिस भी कोल आई, अमामी बंदे भी कोल सन, कोई बंदा नेड़े नहीं गया। और सानू उस गल दा मुझे कहते थे मैं आ रहा, मैं आपसे बिरयानी आके खानी है। मैंने कहा भाई जाना आप आ जाओ।